हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं उपरा चौधरी, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस गांधीनगर में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे फिर से धमाकेदार मेथड लेके आए हैं और वो भी एकदम फास्ट आप आंसर दे सकते हैं। मैंने पहले भी बोला हुआ था आपका कैलकुलेशन में बहुत फास्ट कर दूंगा, लेकिन हाँ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके होगा। देखिए आज का वीडियो ध्यान से लास्ट तक, हाँ छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देख के जाना। दो संख्या में से एक संख्या 99 होना चाहिए, बाकी की कोई एक संख्या दो डिजिट वाली होनी चाहिए, तब हम ये मेथड लगा सकते हैं। देखिए अभी ये 54 का मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं 99 से, 54 गुणाकार 99 साथ है, जुओ आ गया है 54, एम एक ओछो करवाना तो क्या था 53 થઈ ગયું। હવે શું તો આ જે બંને સંખ્યા છે બંનેને નવડામાંથી બાદ કરી દેવાની, મતલબ 5ને 9માંથી કાઢીએ તો 4 અને આને 9માંથી કાઢીએ તો 6 આવી ગયો આન્સર। ફરી રિપીટ કરું છું 35, ઇસસે એક કામ કરેંગે તબ હો જાયેગા 34। અબ ક્યા કરેંગે, दोनों को 9 में से माइनस करेंगे, इसको 9 में से माइनस करेंगे तब हो जाएगा 6, इसको 9 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। आ गया आंसर, 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, ध्यान रखना। फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल देने वाला हूँ, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 77। अब क्या करेंगे 9 में से माइनस करेंगे, मतलब 2 आया समझ में, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, देखना ध्यान से। यहाँ से हम एक और माइनस करेंगे तब क्या हो जाएगा 81। अब मैंने क्या बोला था, दोनों संख्या को 9 में से माइनस करना, इसको 9 में से हटाएंगे मतलब 1 हो जाएगा, इसको 9 में से हटाएंगे मतलब 8 हो जाएगा। आया समझ में, डायरेक्ट दिमाग और दिल दोनों जगह पे घुसेगी ये मेथड, याद रखना। ये क्या है 96, इसका मल्टीप्लीकेशन हम 99 से कर रहे हैं, इसीलिए एक काम करेंगे हम पहले। अब क्या करेंगे, दोनों को 9 में से माइनस करेंगे, इसको 9 में से माइनस किया मतलब 0 और इसको 9 में से माइनस किया मतलब 4 है ना, बैटिंग तगड़ा में तो ध्यान रखना। अब ये क्या है 43 में से एक काम करो मतलब 42। अब क्या करने वाले थे, 9 में से माइनस करने, इसको 9 में से निकाला मतलब 5, इसको भी 9 में से निकाला मतलब हो गया 5। देखा, बहुत बेहतरीन और एकदम आसान मेथड है, आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप भी सीख जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे और मेरे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप कि उसका आंसर कितना आ रहा है और आप कितनी सेकंड में दे पा रहे हैं, वो भी आप ज़रूर लिखिएगा।